हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, जिसके हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। कुछ इस तरीके से हमारे सामने मशीन रखी है और इसका बॉक्स हम ओपन कर लेंगे और दिखाएंगे आपको क्या क्या इसके साथ में निकलता है। और साथ में आपको देने वाले हैं हम डेमो इसका फुल। तो अगर डेमो नहीं देखा यार, अच्छे से वीडियो देख लेना, डेमो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फिलहाल हम कर रहे हैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग, क्या क्या इसके साथ में मिलता है। जैसे हम बॉक्स को हटाते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर पॉलीथीन से रैप हुई हमारी मशीन यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि लुक वाइज यार काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कलर अगर देखते हैं, कलर देख के जो है आप इसका मशीन का जो फर्स्ट इंप्रेशन ना, वो काफ़ी आपको इंप्रेस करने वाला है। बहुत ही बेहतरीन ये मशीन हमें लगती है देखने में, और काफ़ी अच्छी जो है इसकी क्वालिटी भी है यहाँ पर जो कपड़ों को धोने की है, वो बहुत ही बेहतरीन है टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के मुकाबले। तो इस मशीन को ले रहे हैं तो यार मेरा जो रिकमेंड रहेगा 100% रहेगा कि बहुत बेहतरीन ये मशीन है। फिलहाल आप लोगों को दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। अगर इसे खोलते हैं हम फ्रंट से डोर को, तो क्या क्या निकलता है। इसके अंदर रखा हुआ मिलता है हमें मैनुअल बुक वगैरह और इंस्ट्रक्शन इसके बारे में दिया हुआ है। साइड में एक लेड पाइप हमारे साथ में यहाँ पर देखने को मिला, और मिलती है एक छोटी सी पॉलीथीन इसके साथ में, जिसे हमने अभी साइड में हटा लिया, वो भी हम आपको दिखाएंगे क्या होता है। अंदर मिलता है स्टेनलेस स्टील वाला हमें एक ड्रम लगा हुआ अंदर की साइड में, और यह है बाहर से कुछ इस तरीके से हमारी मशीन। और इसके नीचे की साइड में जो थर्माकोल जो बेस बनाकर दी हुई है सपोर्ट के लिए, उसके अंदर मिलती है की हमें। अब इस की का क्या इस्तेमाल होने वाला है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे क्या ही इसका इस्तेमाल होता है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। फिलहाल वीडियो में आप बने रहिए, डेमो भी इसका हम आगे बताने वाले हैं बहुत क्लियर से। यहाँ बोल्ट लगे हुए हैं इस तरीके से, ये इन नट बोल्टों को खोलने के काम में ये जो है की आएगी, क्योंकि ये जो है ट्रांसपोर्ट से किसी डैमेज को बचाने के लिए, यानी कि कंपनी जो है अंदर ड्रम वगैरह की डैमेज को बचाने के लिए यहाँ पर ये लगाकर दे रखे हैं सपोर्ट के लिए। ये खोलने बहुत जरूरी होते हैं, इसके बिना मशीन नहीं चलेगी। काफ़ी लोग जो है डेमो खुद ही मतलब घर पर खुद ही खोल लेते हैं और इसे स्टार्ट कर देते हैं किसी भी आपके बाहर वाले टेक्नीशियन की मदद से, तो ये मशीन नहीं चल पाती है। तो इसे खोलना बहुत जरूरी होता है, इन चारों को खोलेंगे वरना ड्रम भी यहाँ टूट सकता है। इस तरीके से हमारी मशीन को हमने डिसमेंटल कर लिया थर्माकोल से। सबसे पहले थर्माकोल से हटा लेंगे और नीचे हम इस मशीन को रख लेंगे। हाँ, इसके साथ में कोई ट्रॉली यूज ना करें, वरना मशीन जो है वाइब्रेट कर सकती है। फ्रंट लोड में कभी भी कोई भी ट्रॉली यहाँ पर स्टैंड वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैनुअली से नीचे रख लेंगे और यहाँ पर जो है इस तरीके से हम इसके एक नट को जो है बोल्ट जो लगा हुआ है इसे खोल लेंगे की के मदद से, साथ में जो दी हुई है हमें। इसके साथ में कवर प्लास्टिक भी उन्होंने ऐड किया हुआ है, जो कि किसी बेनिफिट यानी जो टूट फूट को बचाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया होगा। फिलहाल हम चारों को खोल लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर आगे का प्रोसेस भी आप लोगों को बताएंगे। तब तक मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ऊपर की साइड में आप मेरे देख रहे होंगे यहाँ पे ड्रेन पाइप जो है लगा हुआ है, पहले से अटैच करा हुआ है, अंदर से फिट आया हुआ है, जिसे आप सही से फिट नहीं कर सकते। तो जो है इसे जो है इसलिए कंपनी से यहाँ पहले से अटैच मिलता है, क्योंकि आप जो है टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में देखते होंगे अलग से आपको मिलता है, लेकिन फ्रंट लोड में पहले से ही यहाँ पर लगा हुआ आता है। इस तरीके से हमने सबको निकाल लिया है, और जो है निकालने के बाद यहाँ पर जो है हम मशीन के जो एक पैकेट हमें मिला था साथ में, उस पैकेट को यहाँ दिखाएंगे आपको, जो कि मेरे हाथ में अभी है। इस पैकेट को जो है निकालने के बाद इसके अंदर से, और ये कहाँ पर लगेंगे या कैसे लगेंगे वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से ये जो होल है ना, इन्हें बंद करने के लिए यार, जो कि अच्छा ना लगे कभी आपको, बहुत बुरे से लगेंगे देखने के लिए। हो सकता है चूहा वगैरह यहाँ से घुस जाए, गंदगी घुस जाए, वो सब चीज़ को जो है यहाँ पर अवॉइड करने के लिए अलग से कंपनी ने आपको दे दिया है यहाँ पर कैप। तो इसे जो है इस तरीके से हम लगा लेंगे जैसे कि हम लगा रहे हैं। और इसे लगाने के बाद जो है एक को लगा लिया, चारों जो है कोनों में जहाँ जहाँ दे रखे हैं पूरे इसे जो है अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे। डेमो जो है बेटर होगा, आप जो है एलजी से ही लें, एलजी की मशीन खरीद रहे हैं या किसी सैमसंग की खरीद रहे हैं, तो सैमसंग वाली यानी कंपनी से ही आपको लेना जो है ज़रूरी है। इसे जो है 100% आप जो है डेमो कंपनी की तरफ से ही कराएं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती है, या बाहर टेक्नीशियन जो होते हैं उन्हें पता नहीं होता है। देखिए किस तरीके से हम प्रॉपरली जो है अंदर फिट कर रहे हैं, अगर फिट नहीं हो पा रहा तो सही से फिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग तरीके से ऐसे ही लगा के जो छोड़ दिया मशीन को। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर फिट कर लेना है। उसके बाद हमारा इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप को हम बाहर निकाल लेंगे, और इनलेट पाइप के जो ये कैप है ऊपर का, इस कैप को हम लगा लेंगे। मेन काम जो है इसी कैप का होता है इनलेट। इसमें जो है मशीन के जो चार बोर्ड पेज दे रखे हैं, पेज को लूज करने के बाद हम मशीन के जो है इनलेट पाइप जहाँ पर इनलेट वॉल्व दे रखा है वहाँ पर लगा लेंगे इस इनलेट पाइप को। तो ये अडाप्टर जो है मेन इसी का सारा वर्क होता है, पानी को लेना अंदर की तरफ को। अगर ये सही से नहीं लगा होगा तो वाटर लीकेज आपका होगा, लूज हो गया तो भी वाटर लीकेज होगा। तो इन चारों पेजों को हम यहाँ से जो है लूज कर लेंगे, ढीला कर लेंगे जहाँ तक ये फंस सकें। और इसे लगाने का तरीका जो सही तरीका होता है, पहले टंकी पर हम इसे लगा लेंगे। मशीन में जो है कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, मशीन में आप घुमाकर आराम से लगा सकते हैं जहाँ पर आपको चूड़ी दी हुई होती हैं। बस थोड़ा सा मेहनत करनी होती है टंकी के साथ में। यहाँ पर हमने टैप पर लगा लिया, वाटर टैप पर, और चारों पेजों को पहले हाथ की मदद से जो है इस तरीके से कस लेंगे। ये नहीं है कि आप जो है एक साइड से पहले टाइट कर लें, आराम से आप पहले लगा लीजिए, अटका लीजिए, पहले वन बाई वन जो है करना शुरू कर देंगे तो चारों तरफ का बराबर रहे। तो इसलिए जो है आपको ये निश्चित करना है कि जो है पहले एक बोल्ट का हल्का लूज छोड़ दें, फिर दूसरे को कसें, फिर उसे भी लूज छोड़ें, फिर जो जब चारों आपके हो जाएं तो चारों को एक साथ कस के कस देना। फिर इस प्लास्टिक वाले जो पार्ट को है इसे भी आपको कस देना है जैसे कि हमने कसा है। फिलहाल हमारे साथ जो है काफ़ी एक्सपीरियंस है
तो इसलिए जो है हम लोग आसानी से लगा रहे थे, लेकिन आपको जो है अच्छी तरीके से बताने के लिए हमने ये करा। ज़्यादा कसेंगे तो हो सकता है अगर नॉर्मल क्वालिटी की आपके टैब होगा तो टूट भी सकता है। चेक कर लेंगे कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार ऑन करने के बाद, क्योंकि काफ़ी बार लगाने के बाद पानी नहीं आ रहा था और हम जो है मशीन में एरर देखने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से एक कैप दी हुई है इनलेट जो है वॉल्व के पास में, इसे हमने निकाल लिया है और जो है चेक कर लिया है कि कोई इसके अंदर कुछ चीज़ अटकी उटकी तो नहीं है। आप इस कैप को जो हमने निकाला था इसे निकाल के साफ़ भी कर सकते हैं, इसे जाली बोला जाता है, इसे आप फिल्टर भी कहते हैं, इसे साफ़ कर लेना चाहिए। काफ़ी बार पानी की गंदगी जो है यहीं आके अटकती है और पानी अंदर की तरफ नहीं जाता है, इसलिए हमने प्रैक्टिकली आपको निकाल के ये दिखा दिया है। इस तरीके से इनलेट पाइप हमारे यहाँ पर लग जाएगा और इसके पावर कोर्ड को हम यहाँ से निकाल लेंगे, दो की एक साथ बंधी हुई है। पाइप जो है यहाँ पर अटका हुआ है एक प्लास्टिक के साथ में, इस प्लास्टिक को कभी भी खोलने की कोशिश ना करें। चलिए अब सीखते हैं हम डेमो को किस तरीके से मशीन चलती है और कैसे ये ऑपरेट होती है फटाक से। तो फर्स्ट होता है ये डिस्पेंसर डिटर्जेंट डालने के लिए, ये अच्छा। इतना ही हिस्सा है। कभी जैसे अगर लिक्विड यूज़ करते हो तो वो नहीं रुकता है इसके अंदर, लेकिन अगर पाउडर यूज़ करोगे तो वो चिपका रह जाता है यहाँ पे थोड़ा बहुत। तो इसको यहाँ से प्रेस करोगे ये बाहर आ जाता है। इसको अच्छा टूथब्रश से साफ कर सकते हो। अच्छा अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये लिखा है सेकेंड, फर्स्ट यहाँ लिखा है सॉफ्टनर। तो जो आपको नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ करना है नॉर्मल वॉश के लिए, चाहे आप लिक्विड यूज़ कर रहे हो या पाउडर यूज़ कर रहे हो, आपको यहाँ पे रखना है। अच्छा दोनों दोनों पाउडर हो या लिक्विड हो या फिर इजी हो, इजी भी डिटर्जेंट ही होता है बट वो स्पेशल बूलन के लिए बनाया है, वो यहीं पे डालना है। ठीक उतना ही डालना है जितना आपको यूज करना है। ये होता है एक प्रोग्राम आएगा इसमें प्री वॉश। प्री वॉश होता है जैसे ज्यादा गंदे कपड़े हैं उसको आप दो बार सर्फ से धोना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी खुशबू के लिए आप लिक्विड यूज करते हो वो यहाँ पे डालना है। अब मुझे एक बात बताओ, हम जो अभी सर्फ एक्सेल यूज करते हैं ठीक है वो इसमें यूज कर सकते हैं? हाँ। यहाँ पे जब इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे इमरजेंसी ड्रेन रहता है। जैसे अच्छा। मान लो लाइट बहुत टाइम के लिए चली गई, आपको लग रहा है इसके अंदर कपड़े भी भरे हुए हैं और पानी भी भरा हुआ है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि वो कपड़े निकाल लें हम, तो डोर तो अनलॉक हो जाएगा लेकिन जैसे ही डोर खोलोगे सारा पानी आपके ऊपर आ जाएगा। वो तो यहाँ पे दिया है, इसको जब इस तरीके से मूव करोगे यहाँ से सारा पानी निकल जाएगा। अच्छा। उसके बाद में डोर खोल के आप कपड़े भी यूज कर सकते हो, जैसे वॉश करने आपको तो वॉश। ये इमरजेंसी ड्रेन है, इमरजेंसी एग्जिस्ट। जी जी है ना। या कभी कभी इसको खोल के भी चेक कर लेना है, जैसे कपड़ों के रेसे वगैरह छूटते हैं या कुछ जैसे टीथ स्टिक होती है कपड़ों में जाकर चली जाती है, तो वो आपको यहाँ पे भी मिल सकती है। या कभी डिस्प्ले पे ओई का एरर लिख कर आ रहा है तो वो भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ओई का ओई आउटलेट वाटर, जब गंदगी फैल जाती है जिसमें आपको बताया कि रेसे वगैरह होते हैं तो पानी नहीं निकल पाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वो कहाँ पे लिखा आएगा ओई डिस्प्ले पे? क्लियर हो गया ना सर ये? हाँ ये क्लियर है। यहाँ से पकड़ के डोर खोलने के लिए दिया है। अच्छा तो अभी कंफ्यूजन रहता है कि हम इसके अंदर कितने कपड़े भरे। हाँ ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पे ना ये स्टॉपर बने हुए हैं। हाँ, एक हाँ, दो हाँ, तीन बने हुए। अच्छा ऐसे मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे किया। हाँ, तो अब ये दो आमने सामने आ गए होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 35 या 80% तक कपड़े आप इसके अंदर फील कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ तक के कपड़े आप इसके अंदर लोड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ऊपर तक कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर 20% या फिर अरे अच्छा वो जो इसका ये निशान है इस निशान से इस निशान से आमने सामने तक कर सकते हैं। समझ गए, क्लियर? ठीक है। डोर क्लोज कर दिया मैंने। हाँ, ऑफ है मेरी मशीन, मैंने वहां से ऑन की, पानी मेरा हमेशा ऑन रहेगा। अच्छा पानी हमेशा ऑन रहेगा। अब यहाँ से ऑन किया, सपोज करो मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट भी डाल दिया, कपड़े भी डाल दिए, पानी भी मेरा खुला है, तो जैसे ऑन करूंगा बाई डिफॉल्ट कॉटन पे आती है। अच्छा कॉटन पे शो कर रहे हैं। अब अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो ये कॉटन पे ही स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अभी सेंस कर रही है, सेंस करने के बाद में शो करेगी कि कितनी देर तक वो चलेगी। मान लो जैसे खाली भी है तो एक घंटा कुछ मिनट का टाइम यहाँ पे शो करेगी। तो चलती रहेगी फिर वो? हाँ। अब बंद करनी हो तो मैं बता। अच्छा ठीक है। इसी तरीके से किसी और प्रोग्राम पे अगर हमें करना है तो फैक्टर तो था मेरा कॉटन। ठीक है, कॉटन प्लस, कॉटन और कॉटन प्लस में फर्क ये रहेगा, यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करके पानी फिर वॉश करेगी, कॉटन प्लस पे 60 डिग्री टेम्परेचर पे वॉश करेगी।
मिक्स फैब्रिक डेली यूज के जो कपड़े होते हैं जिसमें पैंट भी होती है, शर्ट भी होते हैं, लेडीज कपड़े भी होते हैं, सभी कपड़ों के लिए इजी केयर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े हैं, आसानी से साफ होने वाले कपड़े हैं। साइलेंट वॉश, पानी ज़्यादा लेगी मशीन, एलर्जी केयर जैसे साइलेंट वॉश जो कपड़े जैसे कभी नाइट में यूज़ करना है तो थोड़ा आवाज़ कम करती है और पानी ज़्यादा लेती है। एलर्जी केयर कोई पेशेंट नहीं, साइलेंट वॉश पे कपड़े कौन से होने चाहिए? कपड़े कोई भी चलेंगे सर, जब आपको लग रहा है कि मुझे नॉइस नहीं चाहिए, कम आवाज चाहिए, ज्यादा पानी से डोलना है उसके लिए। एलर्जी केयर कोई पेशेंट वगैरह आपके घर में या जैसे अंडर गारमेंट रहते हैं उसे आप हाइजीनिक तरीके से क्लीन करना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉश भी गर्म पानी से करेगी और रिंस भी गर्म पानी से करेगी। अच्छा, इसी तरीके से बेबी स्टीम केयर, अगर छोटे बच्चे हैं तो सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी गर्म पानी से वॉश करेगी। तो नेक्स्ट दे रखा है डाउनलोड साइकिल। अभी जो डाउनलोड साइकिल पे दिया है आपको, जैसे मान लीजिए आपने हाथ से रगड़ लिए कपड़े और उसको खंगालना चाहते हैं और सुखाना चाहते हैं, ड्राई करना चाह रहे हैं, खंगालना और सुखाना दोनों। खंगालने से मतलब है जैसे डिप करके पानी में निकालते ना वो, तब क्लीन मशीन की क्लीनिंग करने नहीं, तो इसमें टाइम ये अपना आप सेट करेगा? इसमें सर फिक्स है, 20 मिनट ही रहेगा। अच्छा, इसमें एक मिनट इसका समझाओ, जैसे मान लिया हम कपड़े ड्राई करने हैं, ये ड्रायर के लिए भी आएगा या उसके लिए? अभी दो काम के लिए है, खंगालना और सुखाना। खंगालने से मतलब है आपने कपड़े रगड़ लिए, रगड़ने के बाद ठीक है, रगड़ने के बाद में जो आप बाल्टी में पानी भर के डिप करते हो वो करने की जरूरत नहीं, वो इसमें हो जाएगी। हाँ वो इसमें हो जाएगी। अच्छा, वो इसमें डाल के इस पर कर दो डाउनलोड साइकिल पे, ठीक है, तब डाउनलोड इस पे डाउनलोड साइकिल पे घुमाना, इधर को या उधर को, किधर भी घुमा सकते हो फिर। ये डाउनलोड साइकिल समझ लेना, डाउनलोड साइकिल स्पेशली उसके लिए है जो खंगालने वाले कपड़े सामने हाथ से धो कर ले जाए, मर जाए और उसमें हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट टब क्लीन। जब आपने मशीन एक महीना या 30 धुलाई इसके अंदर कर ली तो इसको क्लीन करने की नीड होती है। इसका एक पाउडर आता है डी स्केल, वो डालना होता है और टब क्लीन पे लगा के स्टार्ट कर देना होता है। अप्रोक्स 1.5 घंटा मशीन चलती है, अपनी क्लीनिंग कर लेती है। तो वो पाउडर कहाँ से मिलेगा? मैं दिखा दूंगा, है हमारे पास अभी। अच्छा, नेक्स्ट आता है डूबिट। थैली नुमा कपड़े जैसे कि रजाई का कवर होता है, पिलो कवर होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि एक ही साइज जाएगा, जैसे मान लीजिए सॉरी एक ही पीस जाएगा, जैसे मान लीजिए सिंगल बेड की रजाई का कवर है तो वो भी एक ही जाएगा, डबल बेड की रजाई का कवर है तो वो भी एक ही जाएगा। बेडशीट अलग रहेगा, कॉटन में जाएगा वो। अच्छा, ये थैली नुमा कपड़े मैंने आपको बताया, दो बिट अच्छा, ये कम्बल का कवर, हाँ रजाई का कवर, नोट कर लेता है मैनुअल में सब कुछ लिखा हुआ है। क्विक 30 हल्के गंदे कपड़े या जल्दी धोना चाहते हैं, 2-4 कपड़े हैं उसके लिए 30 मिनट में धो के सुखा के खंगाल के सारे काम करके देना। स्पोर्ट वियर ट्रैक सूट वगैरह के लिए, हैंड एंड कूलर ऊनी कपड़ों के लिए या गर्म कपड़ों के लिए, डेलिकेट नाजुक कपड़े या जो स्ट्रेचेबल कपड़े रहते हैं उसके लिए रहता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से कोई भी प्रोग्राम सेट करेंगे, मान लीजिए मिक्स फैब्रिक सेट करते हैं, देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुको जरा, वो तो वो तुमने बताया ना कहीं पे ड्राइवर कैसे करेगा, वो होगा सर, वो भी बताऊंगा अभी। मैंने अच्छा, बात मैं पहले क्या बोला, पहले मेरी बात सुनते रहो फिर आप अपनी सुन लेना, ठीक है ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मिक्स फैब्रिक पे लगाया, तो मिक्स फैब्रिक जब मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे अभी सेंस कर रहे है, ठीक है, अभी टाइम शो करेगा जैसे पहले शो किया था उसने। अच्छा, इसमें हीटर लगा हुआ है? हाँ जी, इनबिल्ट हीटर है। तो इनबिल्ट हीटर अच्छा होता है, बड़ा बेकार होता है? सर वॉशिंग क्वालिटी अच्छी आती है। अच्छा, मतलब अच्छी क्वालिटी की मशीन है ये। 1 घंटा 7 मिनट अब इंडिकेट कर रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि किस मूड पे मशीन चल रही है मुझे नहीं पता। जैसे कपड़े साफ करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, वॉशिंग करनी होती है, फिर रिंस करना होता है, फिर स्पिन करना होता है। तो अभी ये वॉशिंग कर रही है, क्लीनिंग कर रही है, उसके बाद में रिंस करेगा, फिर स्पिन करेगा, फिर ऑफ हो जाएगा बीप देके। अच्छा क्लियर। अब इस बीच में एक सवाल आता है कि मान लीजिए मैंने कपड़े थे मैंने डाल दिए, फिर मुझे याद आ रहा है कि मेरा एक कपड़ा छूट गया, ठीक है, वो ऐड करना है तो डोर लॉक हो जाता है, डोर नहीं खुलेगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है ऐड आइटम। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसकी लाइट जब तक ऑन है या इसके अंदर इतना पानी नहीं आया कि आप डोर खोलोगे तो पानी बाहर आए, ऐड आइटम टच करोगे डोर अनलॉक हो जाएगा, ये सिग्नल यहाँ से हट जाएगा लॉक का। अच्छा, अब डोर खुल जाएगा, आपने कपड़ा ऐड किया, दोबारा से फिर इसको स्टार्ट कर दिया, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और यदि इसमें पानी पूरा हो गया तो ये नहीं खुलेगा? फिर नहीं खुलेगा, खुलेगा भी तो फिर पानी सारा निकल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं बनता। क्लियर है सर?
ये तो हो गया आपका नॉर्मली प्रोग्राम। अब मान लीजिए मैंने इसे कॉटन पे लगाया, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम दे रखे हैं, ऑप्शनल है ये। तो यहाँ पे दे रखे हैं फर्स्ट इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने कॉटन लगाया, बट ये जो तीन प्रोग्राम है ये सभी पे ऐड नहीं होंगे, कुछ पे ऐड होंगे कुछ पे नहीं भी होंगे। तो मान लो मैंने कॉटन लगाया, उसके साथ में इंटेंसिव मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे लाइट आ जाएगी। तो इंटेंसिव क्या है? लॉन्ग टाइम वॉश करने के लिए। जैसे मान लो उसमें 20 मिनट की वॉश हो रही थी, अब यहाँ पे 10 से 12 मिनट की एक वॉश और ऐड हो जाएगी। डबल वॉश देखा है रेंज प्लस। कोई कपड़े ऐसे हैं जो अपने अंदर सर्फ ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, आप चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा खंग लें। मान लो दो बार खंग लेते, तीन बार खंग लें। अच्छा अच्छा, तो रेंज प्लस ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से देखा है प्री वॉश। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको दो बार सर्फ डालना है, तो दो बार अगर सर्फ डालते हो यहाँ पे प्री वॉश ऐड करोगे तो पहले कम सर्फ से धुलेगा फिर ज्यादा सर्फ से धुलेगा। तो ये तीन प्रोग्राम ऐड हो जाते हैं। उसके बाद में जब आप स्टार्ट करोगे तो नॉर्मल प्लस ये तीनों ऐड करके वो वर्किंग करेगा। अच्छा, अब ये जैसे आपने ये दबाया, इसे बीच में रहता कि ये यहाँ पे रुक, ये ना हो, ये तीनों चलेंगे? कोई भी एक भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है तीनों करने। अच्छा अच्छा, मैंने तीनों है इसलिए आपको तीनों बताए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सब पे लगेंगे, कुछ पे लगेंगे कुछ पे नहीं भी लगेंगे। अच्छा 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 अच्छा। अब यहाँ पे लिखा है डिले एंड। डिले एंड का बेसिक यहाँ पे यूज नहीं होता है, ये वहाँ पे यूज होता है जैसे आप बहुत ज्यादा बिजी हैं और आपके घर लाइट और पानी 24 घंटे रहता है। तो ऐसे समझिए मैंने जब डिले एंड प्रेस किया तो यहाँ पे 3 घंटे से 12 घंटे तक का टाइम आता है जैसे जैसे प्रेस करूंगा। तो मान लीजिए मैंने कॉटन पे इसको स्टार्ट किया, कॉटन पे मेरी 1 घंटा मशीन चल रही है, बट मेरे पास अभी टाइम है इसके अंदर कपड़े डालने का, सर्फ डालने का। फिर 5 घंटे तक मेरे पास कोई टाइम नहीं है, 5 घंटे के बाद का टाइम है मेरा कि मैं आगे इसके अंदर कपड़े निकाल लूँ। तो जब ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, अब ये स्टार्ट होगी, जैसे मान लीजिए 1 घंटे का प्रोग्राम है उसका, तो 4 घंटे के बाद में स्टार्ट होगी। 5 घंटे में जब आप आके देखोगे तो लास्ट मोमेंट पर आपको चलती हुई मिलेगी। अच्छा एक मिनट सुनो, जैसे मान लिया अपना कपड़े इसमें डल गया, इनका प्रोग्राम एंड हो गया, हम यहाँ पे नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ना पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब गीले कपड़े इसके अंदर पड़े होंगे तो हो सकता है उसमें स्मेल आ जाए। अच्छा, मतलब वॉश कराने के बाद निकालना जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। डिले एंड भी क्लियर हो गया? मतलब डिले एंड उसके लिए, वैसे हम काम में बिजी हैं, वो आपके 1 घंटे में वर्क करेगी, पर जब तक वर्क नहीं करेगी उस टाइम तक, लेकिन लाइट और पानी कंटिन्यू होना चाहिए। अगर बीच में कट होगा तो प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ के पर्पज से यूज लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट जाती जाती है। क्लियर हो गया? ये भी नया आइटम मैंने आपको बता ही दिया। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर और स्पिन दे रखे हैं, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी प्रोग्राम आप सेट करते हो तो दोनों चीजें खुद से सेट होती हैं, तो इसको सेट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप पूछ रहे थे कि नॉर्मली मुझे अगर सुखाने हैं तो मुझे क्या करना है, ठीक है? तो आपने यहाँ से ऑन करना है इसको और स्पिन टच करना है। जब स्पिन टच करोगे तो ये 14 मिनट दिखाएगा प्लस 1400 RPM दिखाएगा। अब यहाँ पे एक समझने की चीज आपकी ये है कि आपको पता होना चाहिए मेरे कपड़े कितने RPM पे सूख सकते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा? सर अगर कपड़े पे लिखा होता है, वैसे तो उसके टैग जो लगे होते हैं उस पे लिखा होता है, नॉर्मली आपको नहीं पता होगा तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। 1000 RPM पे आपको उसको करिएगा, उससे ज्यादा मत करिएगा। कोई टच करने से बता दो, मैं बता रहा हूँ। या बुलन है तो और कम के लिए करिएगा, क्योंकि बुलन खिंचता बहुत जल्दी है। मतलब जनरली 1000 कम नंबर पे रखें? 1000 पे रखें नॉर्मली, अगर कपड़े मिक्स हैं आपके तो नॉर्मली से टच करोगे तो 1400 आ जाएगा, बट बार बार इसे टच करोगे तो 900, 400, 800, 1000, 1200, 1400 तक जाएगा। जनरली कितने पे रखना चाहिए? 1000 पे सर। अच्छा, थोड़ा हल्के कम सूखेंगे लेकिन कपड़े खराब नहीं होंगे, तो 1000 पे रखा मान लीजिए मैंने। अभी से मैंने स्टार्ट किया तो ये ओनली स्पिन करके देगा, मतलब ड्रायर का काम करेगा। जी जी। अच्छा, इसके जब इससे ड्राई ओवर निकले कपड़े तो वो कपड़े बिल्कुल सूख जाते हैं या 100% नहीं सूखते, 70-80% तक सूखते हैं। अच्छा, और वो भी अलग अलग मूड में, जैसे मान लीजिए 1400 RPM पे चल रहे हैं तो हो सकता है 80% तक सूख जाएं, 1200 पे चल रहे हैं तो उससे कम सूखे, 1000 पे चल रहे तो उससे कम सूखे। अच्छा ठीक है। अब इस बीच में यहाँ पे लॉक भी दे रखा है, चाइल्ड लॉक। जैसे बच्चे हैं अगर आपके घर में, आपने स्टार्ट कर दिया। हाँ बेटा, हाँ खाया हो जाओ। स्टार्ट कर दिया, अब ये चल रही है मान लीजिए मशीन। अब आपको लग रहा है कोई इसको डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड लॉक लिख रखा है। इन दो की को डिले एंड प्लस ऐड आइटम एक साथ टच करेंगे। अच्छा, CR लिख के आ जाएगा प्लस स्माइल लॉक बन के आ जाएगा यहाँ पे।
अभी एक ही काम नहीं करेंगे, ये भी काम नहीं करेगा, लेकिन पावर ऑन ऑफ काम करेगा, ऑफ भी हो जाएगी ऑन भी हो जाएगी। उसके बाद में फिर कोई की काम नहीं करेगा जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करेंगे। अनलॉक करने के लिए फिर दोबारा इन दो की को टच करेंगे एक साथ, स्माइली लॉक हट जाएगा प्लस सीएल हट जाएगा, अब ये काम करने लगेगा। या जैसे हम बटन दबा रहे हैं तो बीप की आवाज कर रही है, अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो आप इसको भी ऑफ कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखा है बीप ऑन ऑफ, रिंस प्लस प्री प्लस प्री वॉश दोनों एक साथ टच करते हैं, अब ये आवाज नहीं करेगी। लेकिन फिर दोबारा इसको ऑन करना है तो फिर दोबारा से इन दो की को प्रेस करते हैं, आवाज आ जाएगी। तो आवाज आनी अच्छी बात है, बुरी बात है? आवाज आना सर अच्छी बात है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है उससे। सही है, तो पूछना जरूरी है ना।